हेलो एवरीवन, देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाना बताऊंगी और ये लॉकडाउन केक है बेसिकली, जब आपके पास काफ़ी कम सामान होता है और किसी का बर्थडे पड़ जाए तो। आप देख सकते हैं ये मैं फ्रूट्स ऊपर से लगा रही हूँ और अच्छा सा चॉकलेट का केक रेडी किया है मैंने। मैं आपको भी आज बताऊंगी इसकी रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी में ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस निकाल लिया है और इसमें मैं 2 से 2.5 चम्मच मिलाऊंगी इसमें दूध। दूध मिला के इसको मैं करीब 4 से 5 मिनट तक साइड में रख दूंगी। और अब हम केक के लिए भगोने में ले लिया है मैंने 2 चम्मच घी। और इसी के साथ मैं अब इसमें मिलाऊंगी पाउडर शुगर, जो मैंने घर की चीनी थी उसको मिक्सी में चला लिया है। ये करीब 1 छोटी कटोरी चीनी है, इसको मिला के अच्छे से हम फेंटेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको आपको अच्छे से चीनी ऐड करके इसका पाउडर अच्छे से इसको मिलाना है। अब मैं इसके साथ में जो मैंने नींबू और नींबू के रस और मिल्क से ये तैयार किया था इसको भी मिला दूंगी। ये बेसिकली अगर आपके पास दही है तो दही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये दही की रिप्लेसमेंट के लिए है। और इसमें मैं वनीला एसेंस मिला रही हूँ, आप चाहे तो चॉकलेट का एसेंस यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी है तो भी चलेगा। इसमें करीब 1 छोटे चम्मच मिलाऊंगी जिससे इसका फ्लेवर आए थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे से फेंट लेंगे। इसको अच्छे से फेंटना है, करीब 1 से 2 मिनट आपको अच्छे से फेंटना है जिससे जो लम्ब्स हैं वो सारे लम्ब्स निकल जाएं, अच्छे से कंसिस्टेंसी इसकी बढ़िया हो जाए। और जो मार्केट में जो चॉकलेट का केक आता है या फिर कोई से भी केक आता है उसमें जो एक क्रीमी लेयर ऊपर से दिखती है वो ऐसे ही बनाई जाती है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको एक्स्ट्रा बना के आप केक के ऊपर इसको लगा सकते हैं। अभी करीब मैंने इसको 2 मिनट फेंट लिया, आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा सा फूल सा गया है। अब मैं करीब इसमें एक बड़ी कटोरी मैदा मिला रही हूँ, इसको अच्छे से मैंने चाल लिया था। और इसमें मैं 1 कप दूध, मीडियम साइज का कप है, ये थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए इसको अच्छे से फेंटेंगे। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिलाते हुए इसको फेंटना है, नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा पतला भी हो सकता है और इसको हमें काफ़ी पतला नहीं रखना है। कंसिस्टेंसी इसकी ना तो ज़्यादा पतली ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा मैं मिलाते हुए इसको मैं चला रही हूँ, अच्छे से चलाना, फेंटते रहना है इसको।
इसको भी करीब 2 से 3 मिनट आप अच्छे से, सारी मेहनत आपकी जो चॉकलेट केक या फिर कोई सा भी केक बनाने में लगती है वो बैटर तैयार करने में होती है। तो आप इसमें थोड़ी भी मतलब कुछ भी गलती करेंगे तो वो आपका केक जो है वो अच्छे से होगा नहीं, स्पॉन्जी नहीं बनेगा, बाकी सारी दिक्कतें यहीं से आती हैं। देख रहे हैं फेटते फेटते अभी इसको कैसे दिख रहा है ये। अब मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाऊंगी, आपके पास अगर कोको पाउडर है तो आप वो भी मिला सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के समय में कुछ सामान नहीं होते घर पे, तो आप कॉफ़ी इजीली रहता है अवेलेबल, तो आप मिला सकते हैं। और ये बेकिंग पाउडर भी मिलाऊंगी मैं इसमें, ये भी करीब 1/2 चम्मच। दोनों को मिला के अच्छे से फेट के इसको भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से मिला के मिक्स कर दिया है। और अब एक बर्तन में मैंने इसमें ग्रीस करके एक पेपर बिछाया है जो बटर पेपर है, इसको मैंने घर पे तैयार किया है और एक वीडियो भी मैंने डाला है, आप देख सकते हैं इसको घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, ऑयल से, घी से, बटर से, किसी भी चीज़ से ग्रीस करना है। बस ये ध्यान रखिए कि अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि जब आप बैटर इसमें डालेंगे वो निकलने के बाद अच्छे से निकल जाए, नीचे से साफ पूरा निकल जाए। अब मैं इसका ये घोल जो बनाया था मैंने इसको डाल दूंगी इसमें और अच्छे से फैला देंगे, इसमें सेट कर देंगे पूरे बर्तन में इसको। ये डाल के देखिए, अभी मैंने एक पैन पहले से चढ़ा दिया था धीमी आंच पे, उस पर इसको बर्तन को रख के अच्छे से ढकना है, हीट कहीं से भी बाहर नहीं निकलना है। और करीब 20 मिनट हो गए हैं, अभी 20 मिनट के बाद एक बार मैं चेक करूँगी। मैंने फुल मीडियम कर दिया, स्लो कर दिया था इसको, और ये स्लो आंच पे अभी तक पक रहा था, एक बार चेक करेंगे। तो ये फोक डाल के मैंने इसको चेक किया है, तो अभी ये अच्छे से हुआ नहीं है क्योंकि ये पूरा साफ नहीं निकल रहा है। 5 मिनट में और चढ़ाऊँगी। करीब 5 मिनट के बाद अब मैं इसको उतार लिया है मैंने, और ये थोड़ा ठंडा हो गया है। साइड से इसको चाकू लगा के अच्छे अच्छे से, कहीं चिपका हो तो निकल जाए, वैसे भी चिपका दिख नहीं रहा है ये। उसको पलट लेंगे किसी भी बर्तन पे, प्लेट पे। ये देखिए मैंने पलट लिया है, और ये बटर पेपर वगैरह ये सब कैसे साफ से एकदम निकल गए हैं। ये सब ग्रीसिंग का कमाल होता है। ये देखिए केक बढ़िया से हो गया है बेक। आपको ना तो ओवन की ज़रूरत पड़ी, ना तो और किसी चीज़ की। और ये अच्छे से स्पॉन्जी भी बना है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। अब मैं उस पर थोड़ा सा एक चॉकलेट सॉस लगा डालूंगी केक पे। इसके लिए मैंने 1 कप पानी ले लिया था, पानी को गर्म किया है। इसमें 3 चम्मच चीनी मिलाऊंगी मैं, और अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे उसमें। चीनी थोड़ी पिघल गई है इसमें, अब मैं इसमें घी डालूंगी, आप चाहे तो बटर मिला सकते हैं। घी इसमें मेल्ट हो रही है। इसमें अब साथ में मैं ये मिल्क पाउडर मिलाऊंगी। अगर आपके पास कोक पाउडर है तो आप वो मिला के इसमें दूध डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोक पाउडर नहीं था। मैं कॉफ़ी मिलाऊंगी इसमें 2 चम्मच।
मिल्क पाउडर मिला दिया है, अभी ये कॉफ़ी पाउडर भी मिला देंगे। तो है ना इतना इजी सा ये, और सामान भी नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। अच्छे से इसको मिलाने के बाद मैं इसको तेज आंच पे अच्छे से खौला के इसको गाढ़ा करूँगी। अब देख रहे हैं, अब धीरे धीरे इसके बुलबुले निकल रहे हैं। ये पूरे अच्छे तरीके से हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा कलर आ जाए, एक जो डार्कनेस वाली कलर होती है। ये बढ़िया से खोल गया है, थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है ये। अब इसको उतार के हम ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसको केक के ऊपर अच्छे से पोर करके इसको फैला देंगे। और अपना ये केक रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें कोई से भी फ्रूट्स कट करके या चॉकलेट टॉपिंग्स है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्रीमी लेयर आपकी बनाना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो भी बता दूँगी। अच्छे से इसको फैला के केक आपका रेडी है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।